बाबा साहब ने भी कहा था कि जिसको राजनीति करनी है कम से कम इंडियन पॉलिटी पढ़ो। आज हमारा थोड़ा सा कारवा चलता है, 5 MLA निकल के किसी के साथ तो बैठना पड़ेगा, वो बैठेगा रहेगा। आप अपना MLA एक बना लो, चाहे विचारधारा का बना लो, फिर भी वो किसी पार्टी के साथ जाएगा, आप क्या करोगे? समाज नहीं है, ये जातिया है। और जातियों को मिला करे, इकट्ठा कर करे, वो समाज बनाने का कार्यक्रम है, आंदोलन है, वो कार्यक्रम वो संगठन के माध्यम से हम कर रहे हैं। हम समाज निर्माण का काम कर रहे हैं, जाति को तोड़ करे, जो बाबा साहब का सपना भी था उसको बढ़ाकर आगे काम करो। संपूर्ण क्रांति का मतलब समझते हो? प्रकाश नारायण जी हुए थे एक बार, उन्होंने भी बताया था, सत्ता अगर जो लोग चाहते हैं कोई बात नहीं, उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन उसका रास्ता है। बैंक में अकाउंट खुलवाओगे, शर्तें होती है, कंडीशन होती है, नौकरी में लगना कंडीशन है, टर्म कंडीशन होती है, शर्तें होती है। तो आपको इस देश में राजा बने रहना है तो आपको उसकी शर्तें भी माननी होगी। उसके लिए पहली शर्त है वैचारिक क्रांति, फिर उसके बाद सामाजिक क्रांति, उसके बाद राजनीतिक और धार्मिक क्रांति होगी। ये 4 पायदान है। उस पायदान तक पहुंचने के लिए वैचारिक क्रांति 95% काम है, 2% आपका सामाजिक क्रांति का काम है, 2% ही बचेगा। 95% सबसे ज्यादा वैचारिक आंदोलन का काम है, जिसमें काशीराम ने अपनी आहुति दी थी, जीवन लगाया और उसका रिजल्ट थोड़ा सा मिला। वो काम अब कोई करना नहीं चाहता, अब तो सोचते हैं कि रास्ता मिल गया, सत्ता में चले जाओ, उंगली दिखाई हुई है, पार्लियामेंट में आ जाओ, हो जाएगा। अरे बाबा साहब ने भी कहा था कि जिसको राजनीति करनी है कम से कम इंडियन पॉलिटी पढ़ो। आज हमारा थोड़ा सा कारवा चलता है, 5 MLA निकल के किसी के साथ तो बैठना पड़ेगा, वो बैठेगा रहेगा। आप अपना MLA एक बना लो, चाहे विचारधारा का बना लो, फिर भी वो किसी पार्टी के साथ जाएगा, आप क्या करोगे? जाएगा ना चाहते हुए MLA MP को उस बिल पर साइन करना पड़ता है जो आपके लिए गैर कानूनी है। क्यों? एंटी डिफेक्शन एक्ट है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, एक एक्ट है, दल बदल कानून कह देते हैं जिसको, उसको बाहर कर देंगे। वो ना चाहते हुए भी नहीं बोल सकता। हम तो उसको ये कहते हैं पूरा मत मानना, हम तो कहते हैं पट्टा डला हुआ होता है वो। और दिक्के खापड़ जी तो बहुत जबरदस्त कहे करते हैं, एक बिरादरी में बहुत बहुत नाम है वाल्मीकि जैसे, आप कह रहे हैं खाकरो हलालपुर खापड़े, इस तरीके से बहुत सारे नाम। दिक्के खापड़ जी जो थे वो पता क्या कहते थे? पड़वा और दल्ला। ये वो लोग हैं जो इकट्ठा करेंगे और कुछ दिन बाद टिकट लेने का काम, सामाजिक काम तो वो भी करते हैं। क्या करते हैं? नाली की देखरेख कर दी, चौपाल की देखरेख कर दी, बहुत सारी व्यवस्था कर देते हैं, बल डोनेशन कर देते हैं, प्राकृतिक के मामले में पेड़ लगा देते हैं, कन्यादान में फर्नीचर देते हैं। कहते वो भी है कि हम सामाजिक काम कर रहे हैं, समाज का ये हमारा काम नहीं है, ना मेरी ये ड्यूटी है, ये संविधान में ड्यूटी प्रशासन की लगाई गई है और इस संविधान को इम्प्लीमेंट करा दिया हम लोगों ने, ये वसीयत है। वसीयत में लिखा सब कुछ है, सबको अधिकार मिलेगा, लेकिन अधिकार बांटे कौन ये डिसाइड आप लोगों को। ये वसीयत हमारे पुरखे ने बनाई संविधान की, इस वसीयत में लिखा SC का इतना हिस्सा, लोकतंत्र में सबकी बराबर की भागीदारी है, लेकिन ये बांटने वाला वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ईमानदार आदमी है, ये हम सब में बराबरी का अधिकार बांट देगा। लेकिन हमने ये समझा नहीं कि बांटने वाला नालायक हमने बैठा दिया। हमने क्या कहा? बातों में तुम्हारे लिखा एक भी दाना नहीं, राजा कन में चुनकर बेचो परो अर्जाना जी। तो साथियों आप जाना मत, देश में जो चल रहा है वो गंभीर बातें हैं। आपको विनर्मा केस का जजमेंट, 4 जजों की बैच का जजमेंट जो आपके संविधान मूल ढांचे से
मूल ढांचा मतलब ये नहीं है कि जो संविधान की ऊपर है। जजमेंट है उसके इंदिरा सानी का केस है, 13 जजों की बैच है, केसर नंदा भारती केस के जो जजमेंट है उनमें जिस चीजों को जिन चीजों को स्वतंत्रता एजुकेशन की फूड की मैरिज की जितनी कुछ फंडामेंटल जो चीजें थी उसमें भी बदलाव करने लगे थे ये संविधान में जिनका कब्जा है जो मनवादी जो लोग है। इसलिए उस टाइम न्यायपालिका ने थोड़ा सा बचाव किया और उसको लाया गया बेसिक स्ट्रक्चर के उसमें कि आप अमेंडमेंट तो कर सकते हो 368 आर्टिकल के तहत संविधान में बदलाव किया जा सकता है। अगर बदलाव किया जा सकता तो ये सारे बदलाव कर देते, लेकिन बाद में एक आया क्या एक एक्ट आया जिसके माध्यम से ये 13 जजों की बैच आई। बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जो आपका उद्देशिका में है, जो आपके संविधान में कुछ अधिकार है जिनको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है उनको बदला नहीं जा सकता, अन्यथा ये सबको बदलने की तैयारी चल रही है। आपको बता देता हूँ सिग्नेचर अभियान चला हुआ है, इंडियन सबको हटाया जाएगा। अभी मैंने कुछ साथियों ने यहाँ पर हिंदुस्तान का वर्ड यूज किया था, अब मैं कहता हूँ कि साथियों हम खुद अपने संविधान के विरोधी है, क्योंकि जो भारत देश में ये नारा दिया गया कि देश बदल रहा है बहुत गहरी साजिश है। मैं कम समय में 5 मिनट और लूंगा उसके बाद खत्म कर देता हूँ, क्योंकि समय बातें बहुत ज्यादा खाने की व्यवस्था है। साथियों विषय को समझने के लिए मूल ढांचे को समझना है कि इस विषय की जो समझ है अगर आपका मूल ढांचा भी नहीं रहा तो आपके संविधान में कोई हक अधिकार नहीं होंगे, ना आपका वोट का राइट ना आपका MLA बनने वाला ना MP बनने वाला। कितनी चीजें खत्म हो चुकी है ये आपको पता, पेंशन खत्म कर दी गई है, उसके बाद SC का एक पास आता था एग्जाम के लिए स्टूडेंट के लिए वो खत्म कर दिया गया है। MBBS अगर आपने कर लिया तो बोर्ड भराया जाता है। जब आप मूल डायरेक्टर को समझ जाओगे उसके बाद इस चीज को समझने के बाद उनकी परपंच जो नीति है उसको समझने के लिए संतों ने जो बताया आगा किया उस पे खत्म करके मैं ये बात कहके यहाँ पे अपनी बात करता हूँ। शेरनी का दूध पीकर भी दाढ़ क्यों मेरे, क्योंकि जो शिक्षा दी जा रही है स्कूलों में वो हमारे महापुरुषों की, हमारे जो बुद्धा के टाइम पे विश्वविद्यालय थे नालंदा वगैरह विश्वविद्यालय थे उस टाइम अपने पुरखों की शिक्षा आपके अंदर होगी तब होगा, क्योंकि स्कूलों में तो यह गवन किया जा रहा है। तो आपके अंदर अपने पुरखों का इतिहास है ही नहीं आपकी शिक्षा में तो आप धाड़ोगे कैसे, आप तो सिर्फ नौकरी तक वहां पर होंगे, इसलिए वो धाड़ नहीं रहा। हम सोचते थे इस बात पे बाबा साहब ने तो गलत हो नहीं सकते कि बाबा साहब ने कहा था कि जो पढ़ेगा वो धाड़ेगा, अरे पढ़ तो बहुत लिया फिर धाड़ क्यों मेरे, कमी यहाँ थी। दूसरा इसमें कबीर साहब की जो लाज में खत्म कर रहा हूँ, साथियों कबीर साहब ने एक बात कही खत्म करा सर, एक मिनट में खत्म बीच में प्लीज आप जो है, मेरा निवेदन है कि हमें ये बताएं कि अब हम करें क्या। हाँ वो बता रहा हूँ, अभी तक आपने नेगेटिव कहा कि कुछ नहीं हो रहा, मैं बताऊंगा हम तो मैं धन्यवाद मतलब तालियां करें सर साथियों की। मैं जो चाहता था एक क्वेश्चन खड़ा करना चाहता था, क्योंकि मैंने सुना था मैं 12-13-14 तारीख को भी इधर प्रचार में था, यहाँ पर एक सवाल करना खड़ा करना चाहता था कि यूपी में ये बताया 4 बार हम सरकार में रह चुके हैं, जिस गाँव में गाँव वहाँ पे बाबा साहब का पुतला स्टैचू है, जिस गाँव में जय भीम करता है जनरल आदमी से भी हम जय भीम करते हैं, मैंने बहुत सुना यूपी के बारे में, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हमें एक मरतक कर रह गए, उसका कारण क्या रहेगा कि क्रांति नहीं हो रही, सामाजिक क्रांति को हमने पीछे छोड़ दिया और राजनीति को आगे बढ़ा दिया, सामाजिक आंदोलन क्रांति चलानी होगी और जन जागृति अभियान संपूर्ण जागृति राजनीतिक नहीं उसके 9 केंद्र अगर आपको सत्ता चाहिए तो मुझसे प्यारा था सामाजिक जो क्रांति मैंने बताया आपको 4 पायदान बताए, 4 पायदान के बाद 9 सत्ता के केंद्र है नॉलेज ब्यूरोक्रेट नौकरशाही, उसके बाद जो आपका है उसके बाद कल्चर रिलीजन मीडिया इकोनॉमी और लैंड और जुडिशरी, आप कुछ भी कर ले चाहे मंत्री हो चाहे डॉक्टर हो कुछ भी हो, लास्ट में अगर न्याय नहीं मिला कहां जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मर जाएगा, आपका वहां पर प्रतिनिधि तो नहीं है। तो उसके लिए हमने राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का निर्माण किया है 17 राज्यों के उसमें जिला प्रभारी 17 जिलों के जो प्रभारी है उसकी गवर्निंग बॉडी में मेमोरेंडम भी तैयार हो चुका है, 17 राज्यों के उसमें एडवोकेट जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के नाम से, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो है उसमें अभी वर्किंग प्रेसिडेंट है, तो उसके माध्यम से प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया जाएगा। हम सोचे राजनीति भी मैं कर लूं सामाजिक भी मैं कर लूं और बौद्ध धर्म का प्रचार भी मैं कर लूं, ये प्लेटफॉर्म अलग अलग होने चाहिए, हाँ एक दूसरे इंटरलिंक है
है, आपस में तालमेल होना चाहिए, लेकिन जो राजनीति करना चाहता है वो ईमानदारी से राजनीति करे, ये बताए कि मेरी ये पार्टी है और हम ये मुद्दे चलाएंगे। लेकिन 5 साल 10 साल समाज का दिखाकर ढोंग कर कर के सामाजिक संगठन फिर बाद में टिकट मांगते फिरे, वो समाज के साथ गद्दारी और गद्दारी है। इसलिए बाबा साहब ने उनको समझा था, राजनीति जिनको करनी राजनीति करे, सामाजिक करे तो सामाजिक करे, जिन पर रोड पे आना है तो रोड पे आने के लिए बीमार की तरह रोड पे आने वाला बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में पार्टी ना बनाए, ये सरकारी है। तो साथियों लास्ट में वही कह रहा हूँ कि जन जागृति का कार्यक्रम चलाने के लिए कार्यकर्ता और जो साथी तैयार हो इस कार्यक्रम को चलाने के लिए वैचारिक आंदोलन, न्यायपालिका के अंदर आर्टिकल 12 को पढ़ना, फिर मेरे पास फोन कर लेना, नंबर लिखा होगा बताता हूँ, हमारे लोगों को पता ही नहीं, कहते संविधान की जानकारी है। 12 आर्टिकल स्टेट की डेफिनेशन बताते हैं, समझदार कुछ लोग हमें इसलिए आपके बीच में रख रहा हूं, अगर और साथी होते तो मैं नहीं रखता। 12 आर्टिकल स्टेट की डेफिनेशन बताता है और हम ये प्रूफ करते हैं एज ए एडवोकेट भी और एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टेट है, और अगर स्टेट है तो एससी एसटी का रिप्रेजेंट होना चाहिए, ये हमें है, एक्ट में है, कानून में, संविधान में है, इंप्लीमेंट में। तो इंप्लीमेंट कराने के लिए जन जागृति अभियान और जन जागरण नेता नहीं कार्यकर्ता चाहिए, हमें कुर्सी बिछानी हो, टाट बिछाना हो, वो काम भी करना आना चाहिए, वो कार्यकर्ता बनकर कार्यकर्ता निर्माण का कार्यक्रम करना है। कबीर साहब ने जो बात कही वो बात कहकर आज खत्म कर रहा हूँ। कबीर साहब ने एक बात कही थी, समझदार लोग समझना, आन लगे क्वार कनागर, कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब ने जो कहा बड़ी अचंभित बात है, सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करना, सुनो भाई संतो क्या कहते हैं, आन लगे क्वार कनाकर तर कौवे को बाप बनाया। बचपन से नीति जो सेकंड विषय में किया उस विषय में बता रहा हूँ, उस नीति को समझकर दुश्मन की परपंच और कूट नीति को समझकर समाज में जन जागरण करके हम संविधान को लागू कराने का काम कर सकते हैं। कबीर साहब ने जब ये बात कही, आन लगे क्वार कनाकर तर कौवे को बाप बनाया, क्या हमारे घर के कौवे बनाएंगे, कनाक भी माउस निकालते ना, मनाते रहे, सिर्फ दिमाग में कोशिश करें, सोचने की ताकत बढ़ाएं अपने, आप बहुत ज्यादा ज्ञानवान हैं, सतलोक का ज्ञान हमारे लोगों को, मैं नहीं कह रहा कि नहीं, आन लगे क्वार कनाकर तर कौवे को बाप बनाए, फिर क्या कहा, मिट्टी धूल का बड़ा चोतरा खूब टिकली लगाइया, जिसने खा का कुत्ता क्यों नहीं मर जाइया। फिर कबीर साहब ने कहा, करो मन पारख मिट जैसा भूल भुलैया, क्योंकि मिट्टी का साफ पूजे लोग लगे यार, जिंदा साफ लिख रहे, जिंदा लेकर पाछा बाजा। फिर उन्हें क्या कहा, अपना लला मुगार लगी कहीं छुरी ना लग जाए, और बकरी का बच्चा ला कर गड़ा कर, सुनो भाई सर तो करो मन कारक मिर्जा से पूर्ण हो गया। तब उन्होंने क्या कहा, जीते पिता गला धन मन दंगा, अरे मरे पीछे चल भाई गंगा। तब उन्होंने लास्ट में कहा, भूत बोलोगे फिर जूते जमकर खैया, सुनो भाई साधो करो मन पारख मिर्जा से भूल भुलैया। कबीर साहब ने एक लाज ये कहा था, हमारे लोगों ने अपने गुरुओं की नहीं मानी, उस विषय को बहुत गंभीर था, मैं कंक्लूड यही कर रहा हूँ लास्ट में कि संविधान के मूल ढांचे की सुरक्षा करने में लग गए, दूसरी बात उसमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं है।